और मैं देखती हूँ ब्रदर दिनाकरण और एक और पास्टर हैं वो जो अंदर बैठे हैं और उनके हाथ में बुक्स हैं और फॉर्म्स हैं जो लोग उठा लिए गए। इस सपने में आपने देखा कि जीवन की पुस्तक में से नाम मिटा दिया। यस पास्टर। और क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि लोग बहुत सारे लोग ऐसी बातों के लिए चिंतित हैं। बिल्कुल श्योर, ये डेफिनेटली नाम कट हो जाएगा अगर हम मन के अंदर सोच भी लोगे तो वो भी व्यभिचार होगा। एग्जैक्टली, नाउ इज मोर सीरियस थिंग। यार आप बहुत गंभीर हो गया है, तो भाई साहब सुधर जाइए। कब सुधरेंगे? तो मैं एकदम से भागती हूँ, वहाँ जाती हूँ मैं ब्रदर दिनाकरण के पास और मैं कहती हूँ ब्रदर मेरा नाम देखो जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बात समझना जरूरी है, ये काम उसको करना चाहिए। दोष नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बना। कभी भी चंगाई में फेल नहीं हुआ। एक विश्वासी के जीवन की चुनौती दे और मना भी किया चर्च जाने। रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। और आज एक सवाल सामने आया है और ये सवाल सिर्फ असल में ड्रीम्स के बाद ही आया है। क्या सच में जीवन की पुस्तक में से हमारे नाम काटे जा सकते हैं? प्रभु ने उद्धार जब आपको दिया तब आपका नाम उसने जीवन की पुस्तक में लिख दिया। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताता है और ये निश्चित रूप से है कि आपका नाम लिखा गया है स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए? और अगर ऐसा है तो आइए सुनते हैं परमेश्वर की ओर से वो बात जो प्रभु ने हमें अंत के दिनों में अपने आत्मा के द्वारा बताई। आमीन। स्वागत करूंगा मैं हमारे बीच में सिस्टर आशा एक और बार। स्वागत है आपका। लॉर्ड पास्टर जी, प्रभु की स्तुति करो। एक सवाल था जो मैं आपको सुन रहा था, तब मैंने जाना आपको प्रभु ने एक दर्शन दिया। दर्शन के बाद एक जो है सपना दिया। इस सपने में आपने देखा कि जीवन की पुस्तक में से नाम मिटा दिया। यस पास्टर जी। और क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि लोग बहुत सारे लोग ऐसी बातों के लिए चिंतित हैं। बिल्कुल श्योर, ये डेफिनेटली नाम कट हो जाएगा अगर हम अपने गुनाहों में पड़े रहेंगे। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना तभी खुदा हमारे नाम को उसमें लिख देता है, लेकिन जैसे जैसे हम गुनाह करते जाते हैं वो हम हमारे नाम को काटने का पूरा नया जन्म पाने के बाद नया जन्म पाने के बाद अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक से कट हो जाता है। एग्जैक्टली, और दिस इज द रीजन है ना, बहुत सारे लोग जो हैं गलत काम करते हैं और वो अपने आप को जानते बोले बाद में जाके हम रिपेंट कर लेंगे, बाद में जाके माफ़ी मांग लेंगे, प्रभु सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़। और ये यहूदी किया करते थे, उनके लिए प्रभु ने बार बार उनको माफ़ किया। लेकिन आज का समय अनुग्रह का है, इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते जाएं और अंत में माफ़ी मांग लेंगे। शायद माफ़ी मांगने का मौका ना मिले, उससे पहले रिपेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम जो है जीवन की पुस्तक में ना मिले। सोचिए कि जब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो लोग बड़े उत्साह के साथ जाते हैं और अगर कई बार लोगों को नाम नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल। पर आपको मौका नहीं मिलेगा आत्महत्या का। यस यस, बिल्कुल सही बात। चाहे कुछ भी ऐसे ही वो यहूदियों के टाइम के, मूसा के टाइम की वो थी, जब वो व्यवस्था खुदा ने बनाई थी कि वो गुनाह करेंगे तो वो अगर ये कुर्बानी कर देंगे, ये कुर्बान देंगे तो उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो व्यवस्था सारी प्रभु यीशु ने पूरी कर दी और हमें और ज़्यादा एक नए रूल रेगुलेशन में बांधा। इवन यहाँ तक कि अबाउट व्यभिचार के लिए भी खुदा ने कहा अगर तुम आँख से देख कर मन के अंदर सोच भी लोगे तो वो भी व्यभिचार होगा। एग्जैक्टली, नाउ इज मोर सीरियस थिंग। यार आप बहुत गंभीर हो गया है, तो भाई साहब सुधर जाइए। कब सुधरेंगे? क्या नाम कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। मैं आपको एक अपना ड्रीम बताती हूँ जिसमें खुदा ने मुझे दिखाया कि नाम कट सकता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं दुबई में थी और वहाँ खुदा ने मुझे क्या दिखाया। एक्चुअली मेरे साथ, मैं सारे टाइम तो खुदा के साथ लगी रहती थी लेकिन मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हुई हैं। ऐसे नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग, मैं भी गुनाह करती हूँ। लेकिन मुझे एकदम एहसास होता है, उसी टाइम मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ और खुदा के आगे घुटनों पे आ जाते हैं और रिपेंट करते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती होगी। इवन जिसके साथ गलती होती भी है तो मैं उसी के पास पहुंच जाती हूँ क्योंकि आत्मा मुझे कहती है माफ़ी मांग इससे, और मैं उसी टाइम जाके उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे ये गलती होगी, मैं आई एम सॉरी। इवन वो ये सोचती थी कि ये गलती करती है और अपनी गलती को स्वीकार करती है, इट मीन्स यही मिस्टेक करती है, मैं नहीं। उसके माइंड में ये था, उसने बोला भी मुझे ये बात। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक ड्रीम बताना चाहती हूँ। मेरे साथ की कुलीग है वो भी क्रिश्चियन है, रोमन कैथलिक से। तो उसके साथ काम करते करते देखो जहाँ काम करते हैं वहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक चलती रहती है ना। तो ऐसे ही मेरी उसके साथ होती, क्योंकि वो मुझसे इरिटेट सी रहती थी कि इसको क्यों अप्रिशिएट करते, क्योंकि अदर स्टाफ सब मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो वो बोल देते थे आशा मैडम बहुत अच्छी है, ऐसे बोल देते थे। तो उसको वो जलस होती थी, इस वजह से वो हर समय मेरे अगेंस्ट होके चलती थी, मेरी कंप्लेंट करने की, काम नहीं करती ये वो। तो हर समय फिर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी कई बार गुस्सा आता था, तो मैं भी कई बार गलत बोल जाती थी। मुझे भी पता है मैंने भी गलत बोला है, पर आत्मा उसी टाइम हमें सिखाती है कि तुम गलत हो। तो क्या हुआ कि मेरी उस टाइम उसके साथ नोक झोंक चल रही थी, इधर मैं खुदा से प्रार्थना भी कर रही हूँ और उधर मेरा मन में उसके लिए कड़वाहट भी है, ठीक है ना। तो मेरे को खुदा ने क्या दिखाया कि मैं उसी वहीं पर हूँ घर में, और मैंने देखा। और ये एक बात है कि मैं जब भी ड्रीम देखती हूँ लॉयन जरूर होते हैं मेरे हर एक ड्रीम में, ये मैंने देखा। तो जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहीं पर वो लॉयन भी बेड पे घूम रहे हैं, ऐसे देखा। और कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि बाहर दुनिया गायब हो रही है। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे याद आ जाता कि प्रभु के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, मैंने कहा तुम चलो मैं आई। तो मैंने उनको बोला तुम्हारे साथ वो लोग थे कहाँ गए? वो कहते सब उठा लिए गए। तो मैंने बोला कि मैं बाहर भागती हूँ बिल्डिंग से, और मैं बहुत तेज भागती हूँ, देखती हूँ मैं क्या देखती हूँ, आकाश पूरा मंडप सजा, जैसे दूल्हे के आने की तैयारी में लड़की वाले घर को पूरा डेकोरेट करते हैं और पैलेस को डेकोरेट करते हैं कि एंट्रेंस उसकी बहुत ब्यूटीफुल हो। ऐसे ही मैंने देखा स्काई में पूरा डेकोरेशन हो रखी, गेट की पूरी डेकोरेशन, और इन बिटवीन मैंने जीसस को देखा। तो ऐसे मैंने जीसस को देखा, इतना खूबसूरत मैंने पूरे दुल्हे की ड्रेस में प्रभु को देखा है। और वो ऐसे ऊपर से सबको देख रहे हैं, और बैल बुटे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशन थी स्काई में। और मैं देखती हूँ, मैं भागते भागते हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होली स्पिरिट, मैं ऐसे प्रेयर करते भाग रही हूँ, ढूंढती फिर रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। तो मैं जब भागती 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 जाती हूँ तो मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हूँ जहाँ जो लोग उठाए हुए हैं वो इकट्ठे हो रखे। जिन लोगों को उठाया गया है, हाँ, जिन लोगों को रफ्ते में उठा लिया गया है, हाँ। वो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। मैंने उनको देखा तो वो इनविजिबल एक बाड़ा किया हुआ है कि कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, पर वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हुआ, मैंने देखा जो लोग रह गए वो सब वहाँ उनके जैसे कोई तमाशा होता था, लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ। ऐसे करके सब खड़े हैं। तो मैं अंदर भागती हूँ और मैं देखती हूँ ब्रदर दिनाकरण और एक और पास्टर है, वो जो अंदर बैठे हैं और उनके हाथ में बुक्स हैं और फॉर्म्स हैं। जो लोग उठा लिए गए उनको वो फॉर्म्स दे रहे कि इसे फिल करो, उन फॉर्म्स को फिल करो। तो मैं ऐसे देख, मैं भागी जाती हूँ। मैं जीसस को भी देख रही, जीसस सामने देख रहे हैं और मैं कह रही जीसस आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, जीसस आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। मैं ऐसे बोल रही, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है? मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ, जोर से रोई जा रही हूँ। तो मैं एकदम से भागती हूँ, वहाँ जाती हूँ मैं ब्रदर दिनाकरण के पास और मैं कहती ब्रदर मेरा नाम देखो जीवन की पुस्तक में है कि नहीं, आप चेक करो प्लीज़, मेरा नाम चेक करो। और मैं रोई जा रही, क्यों मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, मैं बहुत बुरी तरह से रो रही। और वो कह रहे हैं कि तुमने रिपेंट नहीं किया। हाँ, ब्रदर दिनाकरण कह रहे कि तुमने रिपेंट नहीं किया इसलिए तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया। तो मैंने बोला कि मैं अब क्या करूं, मैं देख रही जीसस पापा आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पापा मुझे क्षमा कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो। मैं ऐसे से करके उनसे माफ़ी मांग रही हूँ और वो मुझे कह रहे कि आप अंदर मत आओ नहीं तो आप भस्म हो जाओगे, वो मुझे कह रहे। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं भाग रही इधर उधर कि कोई मेरे को मतलब मैं इनके साथ हो जाऊँ। और मैंने देखा जो लोग इकट्ठे वो बहुत खुश हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और जीसस ऊपर से टॉयज़ फेंक रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चे खुश हो रहे हैं उन टॉयज़ के साथ। और फिर मैं एक चीज़ देखी मैंने कि जैसे ये चारों तरफ खड़े हैं, बीच में एक स्पेस है और मतलब जगह है, और वहाँ पर मैंने एक आग का खंबा देखा, ऐसे आके एक रोड देखी और उस रोड ऐसे ये रोड है पूरी और ये साइडों में लेज़र लाइट जा रही है और कनेक्ट हो रही है जीसस के साथ। पूरी एक रोशनी है जो जीसस के साथ कनेक्ट हो रही, मतलब इस जो रॉड है इससे कनेक्ट होके वो ऊपर जीसस के साथ और जीसस ऊपर देख रहे हैं। और मैं बार बार चिल्लाई पापा प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। फिर जब नहीं कुछ भी हो पा रहा मैंने कहा ठीक है पापा जब आप सेकंड टाइम आओगे ना तो मैंने कहा मुझे ज़रूर साथ में लेके जाना और मैं रिपेंट करूँगी, मैं पश्चाताप करूँगी, पर मुझे एक मौका ज़रूर देना। ऐसे तो वही है वो जो ब्रदर दिनाकर, मैं फिर भाग रही, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर मेरा नाम लिखा जाए, लेकिन वो ये कह रहे तुम अब नेक्स्ट टाइम रिपेंट करो और फिर आना। तो ये देखो कि ये सच्चाई है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद को आत्मा ने मुझे कहा कि तू प्रार्थना कर रही है लेकिन कुड़कुड़ाहट तो कर रही है, सही बात है, तेरे अंदर तो अभी भी नफरत आ रही है उसके लिए। फिर मैंने खुदा से कहा प्रभु इस गंदी आत्मा को मुझसे दूर कर। मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया। मैं इतना रोई पास्टर जी, रात को ही उठी, रिकॉर्डिंग करी कि मैं भूल ना जाऊँ, रात को ही रो रो के मैंने रिकॉर्डिंग करी। मैंने पास्टर अमोस को भी रिकॉर्डिंग में रो रो के, और मैंने अपने भाई बहनों, मैंने सारे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सबको वॉइस मैसेज में बोला कि प्रभु ने आज मुझे ये दिखाया कि जीवन की पुस्तक से नाम कट सकता है अगर हम अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर हम अपने गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो हमें वो सारे पवित्र आत्मा के 9 गुणों को अपने अंदर लेना है। तो इसलिए मैं यही कहती प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ में अपना स्वभाव डाल दो, अपना प्रेम मुझ में डालो और अपने गुणों को मुझ में डाल दो ताकि मैं तेरे जैसे बनूं। ऐसा मैं खुदा से अब यही विनती कर, इसलिए मैं अब कोई गलती करने की चांस नहीं लेती। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं खुद ही झुक जाती हूँ कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो प्रभु का धन्यवाद, और खुदा ने मेरे एकदम से टाइम ही बदल दिया। मीन्स जो लोग मेरे अगेंस्ट थे वो सब मेरे बहुत अच्छे हो गए। सब कुछ खुदा ने ऐसा बदला कि जो लोग कहते थे हम तुझसे बात नहीं करना चाहते, वो बाद में मेरे इतने बड़े फ़ैन हो गए, मतलब प्यार करने लगे मुझसे। अब वो बोलते हैं कि हम रियली यू आर वेरी गुड। ऐसे तो मुझे वही बात याद आई कि खुद जहाँ तुम्हारी लोग निंदा करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट होके बोलेंगे, वहाँ मैं तुम्हें खड़ा करूँगा, और वो प्रभु ने मेरे साथ किया। मेरी मैडम को भी मेरे अगेंस्ट कर दिया था उस लड़की ने, पर मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान भी देखो खुदा ने मुझे दिखा दिया था कि वो मतलब किस तरह से उसके खुदा ने उसके मन को तोड़ा, और वो भी खुदा ने मुझे सारा कुछ दिखा दिया। और जिस दिन वो ड्रीम दिखाया खुदा ने, उसी दिन मैडम स्टार्ट हो गई मुझसे बात करने के लिए, नहीं तो वो कह देते आई डोंट लाइक टू टॉक विथ यू, ऐसे ही बोल देते। मतलब उस लड़की ने इतनी नफरत मैडम के मन में मेरे प्रति डाल दी थी। तो तब मुझे होता था कि मुझे हर जगह गिराई जाए, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ एंजल, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि खुदा मुझे एहसास दिलाता है कि तू यहाँ गलत है, और मैं उसी टाइम उसको रिपेंट करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, प्रभु के आगे रोती हूँ, प्रभु मुझसे गलती होगी, मैं अब दोबारा नहीं करूँगी। तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोबारा से वो गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। फिर मैंने पास्टर मोस को भी किया, वो भी कहते सिस्टर डोंट वरी, एक अच्छी बात है कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, कि खुदा ऐसे सबको नहीं दिखाता इतना, मतलब वो कहता है अब तुमने अगर जीवन की पुस्तक में अपने नाम को कटा और देखा तो तुम इसको लिखवा भी सकते हो। मैंने कहा कैसे? कहते तुम परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हें जीवन की पुस्तक में हो जाएगा। पर चिंता मत करो, ये खुदा ने आपको अलर्ट किया है कि अगर तुम मेरे मतलब ऐसे गलतियां करके करते रहोगे तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से कट भी सकता है। नेचुरली ये बात सबको मानने योग्य है, जानने योग्य है। हम इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं क्या स्वर्ग की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होगा? पर एनी हाउ दिस इज़ द टाइम दैट यू रिपेंट योरसेल्फ, कि अब आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए रिपेंट करें, यानी कि पश्चाताप करें दिल की गहराई से, जो कि प्रभु सुनता है। हालेलुया। और अगर आप आज स्वीकार करेंगे, रिमेंबर दैट ड्रीम्स एंड विजन मे नॉट बी 100% क्लियर एज यू थिंक अबाउट, जैसा आप सोचते हो उतना 100% क्लियर ना हो, पर आपके ड्रीम्स एंड विजन इट्स वेरी क्लियर। मैं खुद शॉक्ड होती हूँ कि मैंने आज तक कभी ये बातें किसी से नहीं सुनी, पर इतना क्लियरली, एकदम क्लियर मीन्स जिसमें डाउट है ही नहीं, इस तरह से खुदा मुझे दिखाता है। एग्जैक्टली। सो अब आपके लिए मौका है कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपना नाम स्वर्ग की पुस्तक में से कटने से बचा लें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, मेरी प्रार्थनाएं और प्रभु की आशीष आपके लिए बहुतायत से हैं। पुकारो और उसे ले लो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। सुनते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रभु के साथ संगति करते रहिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं। विजनरी रेडियो और टीवी पर। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूँगा, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और सातों दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज और भी बहुत 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 अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।